हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनडे स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है, क्या उसके उद्देश्य हैं और क्या उसके ड्रॉबैक थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीरो खेरी एक्सपेरिमेंट। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नीलो खेरी एक्सपेरिमेंट। नीलो खेरी एक्सपेरिमेंट की व्याख्या कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग 1948 अंडर द लीडरशिप ऑफ एस के देव, हु वॉज देन द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। यानी इस स्कीम की शुरुआत 1948 के दौरान एस के देव के नेतृत्व में हुई, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास मंत्री थे। नेक्स्ट है, इट्स प्राइमरी प्रपोज वाज टू डेवलप अ न्यू टाउनशिप टू हैबिलिटेट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जब बंटवारे के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करके जो माइग्रेंट लोग यहाँ पर आए थे, उनके निवास एक नई बस्ती बनाई गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि उनके लिए एक नई बस्ती का निर्माण करना जिसमें वे लोग रह सकें और उन्हें यहाँ के कल्चर, सिविलाइजेशन, व्यापार, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी सुविधाओं से उन्हें कनेक्ट करना और उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना ताकि वे अपने लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सकें। तो आपको इस स्कीम में यह याद रखना है कि यह 1948 में एस के देव द्वारा शुरू की गई थी, जो उस समय के कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और यह स्कीम पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से जो पलायन करके लोग आए थे बंटवारे के बाद, उनके लिए एक बस्ती बनाई गई थी जिसमें उनके डेवलपमेंट के लिए सारी बुनियादी सुविधाओं को प्रोवाइड करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस स्कीम में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कैसे उनका डेवलपमेंट किया गया, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से जो लोग डिस्प्लेस्ड यानी कि पलायन करके इंडिया में आए थे, उनके डेवलपमेंट के लिए न्यू टाउनशिप का निर्माण किया गया, नई बस्ती बसाई गई और उन्हें सारी बुनियादी सुविधाओं से कनेक्ट किया गया। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट इन स्वैम्पी बैरन लैंड अराउंड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन द हाईवे ऑफ दिल्ली एंड अम्बाला। यानी जो उनके लिए बस्ती बसाई गई थी वह दिल्ली और अम्बाला राजमार्ग जहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ के आसपास एक दलदली स्वैम्पी मैंने दलदली बैरन लैंड अराउंड यानी कि बंजर भूमि पर बनाई गई थी। यानी उन्हें जहाँ बसाना था वह एक बंजर जमीन थी जो दिल्ली और अम्बाला राजमार्ग के बीच स्थित था। नेक्स्ट है, एस के देव लॉन्च्ड द न्यू स्कीम कॉल्ड मजदूर मंजिल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउनशिप एट नीलो खेरी। तो आपको हम बता दें कि नीलो खेरी या दिल्ली और अम्बाला एयरबेस के बीच यानी हरियाणा में यह जगह पड़ता है जहाँ पर नीलो खेरी नाम का टाउनशिप यानी कस्बा है जहाँ पर यह बस्ती बसाई गई थी। तो एस के देव ने एक नई स्कीम की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने मजदूर मंजिल रखा, जिसका मेन काम यह था कि लोगों के लिए घर बना करके देना यानी एक बस्ती को बना तैयार करना। नेक्स्ट है, दिस स्कीम गेव द पीपल, यानी यह स्कीम में क्या प्रोवाइड करना था लोगों के लिए वो इसमें मेंशन किया गया है। इसमें फर्स्ट है, ट्रेनिंग ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स प्रिपरेशन, कृषि उपकरणों की तैयारी और उनके प्रशिक्षण कैसे उसका यूज किया जाता है इसके बारे में बताना। ट्रेनिंग ऑन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में कैसे प्रशिक्षण उन्हें ट्रेन करना। ट्रेनिंग ऑन कारपेंट्री, बढ़ई गिरी यानी उनके कंस्ट्रक्टिव तरीके से उन्हें ट्रेन करना। नेक्स्ट है, अलॉन्ग साइड टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वर्क सेंटर्स वर स्टार्टेड इन द क्राफ्ट लाइक वेविंग, कैल्सियो प्रिंटिंग, शॉप मेकिंग, लॉन्ड्री, बेकरी, टिन स्मिथी, ब्लैक स्मिथी, जनरल मशीन्स, लेदर एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर क्राफ्ट एंड ट्रेड्स। यानी इस स्कीम में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ वर्क सेंटर्स की भी शुरुआत की गई थी जिसमें कैलिफो प्रिंटिंग, शॉप मेकिंग साबुन बनाने, लॉन्ड्री कपड़े धोने, बेकरी, टिन स्मिथी और
ब्लैक स्मिथी यानी बढ़ईगिरी लोहार का काम, और जनरल मशीन्स यानी सामान्य यांत्रिकी जैसे लेदर चमड़े का कार्य, और भी कई सारे क्राफ्ट और व्यापार के बारे में ट्रेन करना इन केंद्रों में सिखाया जाता था। नेक्स्ट है द नीलोखेरी प्रोजेक्ट वॉज अनलाइक एनी अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नीलोखेरी परियोजना जो थी वह किसी अन्य गांव के विकास के विपरीत थी, यानी इस स्कीम में जो डेवलपमेंट किया जा रहा था वो बाकी स्कीम के डेवलपमेंट से डिफरेंट था। नेक्स्ट है इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिहैबिटेट द रिफ्यूजीज इन अ प्लान्ड सेटलमेंट वेयर दे कुड गेट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ टाउन और अ विलेज। यानी इसका उद्देश्य जो रिफ्यूजीज यानी शरणार्थी जो थे उन्हें प्लान्ड यानी योजनाबद्ध तरीके से उनका पुनर्निवास सेटलमेंट करना, उन्हें बस्ती में बसाना जहाँ उन्हें सब कुछ मिल सके, एवरीथिंग गेट एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर टाउन और विलेज, यानी जो भी एक गांव या फिर कस्बे के लिए जरूरी है वे सब कुछ उन्हें मिल सके। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह भी था। नेक्स्ट है द कॉलोनी हैड स्कूल एग्रीकल्चर फॉर्म पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग सेंटर डेयरी पोल्ट्री फॉर्म पेगरी फॉर्म हॉर्टिकल्चर गार्डन प्रिंटिंग प्रेस गारमेंट्स फैक्ट्री इंजीनियरिंग वर्कशॉप सॉप फैक्ट्री ईटीसी। यानी जो बस्ती यानी कॉलोनी बसाई गई थी उसमें स्कूल एक कृषि फॉर्म पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण केंद्र डेयरी दुग्ध उत्पादन केंद्र पोल्ट्री फॉर्म मुर्गी पालन पिगरी फॉर्म सुअरों के पालन करना हॉर्टिकल्चर बागवानी उद्यान प्रिंटिंग प्रेस गारमेंट्स फैक्ट्री यानी कपड़ों का कारखाना इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबुन फैक्ट्री और भी बहुत सारी कुटीर उद्योगों का शुरुआत इस कॉलोनियों में की गई थी। नेक्स्ट है नीलोखेरी वॉज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज इन द प्लानिंग ऑफ अ टाउन। यानी नीलोखेरी लोगों के विकास की डेवलपमेंट की जो स्कीम तैयार किया गया था वो एक सबसे बेहतरीन अनुभव था लोगों के लिए। तो इस प्रकार हमने नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट कवर किया जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से माइग्रेंट बंटवारे के बाद माइग्रेंट होकर के जो लोग आए थे उन्हें एक नई बस्ती बसा करके देना ताकि वे वहाँ पर अपने लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सकें और यहाँ के कल्चर और सिविलाइजेशन में ढल सकें अपना डेवलपमेंट कर सकें रोजगार कर सकें व्यापार कर सकें। इसके लिए 1948 में एसके देव द्वारा एक स्कीम चलाई गई जो हरियाणा के नीलो खेरी में उन्हें बस्ती बना करके दी गई, और जो बस्ती बनाने की स्कीम थी उसे मजदूर मंजिल का नाम दिया गया, और इस योजना में उनके लिए स्कूल कृषि फॉर्म पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण केंद्र डेयरी पोल्ट्री फॉर्म सुअर पालन फॉर्म बागवानी उद्यान प्रिंटिंग प्रेस कारखाना और साबुन कारखाना ये सारी चीज़ें बना करके उनके लिए उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपना डेवलपमेंट कर सकें और ग्रोथ कर सकें। तो इस प्रकार से नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। तो मिलते हैं हम अपने अपकमिंग वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कीप सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।